चैनल फ्रेंड्स, देखिए आज मैं जूते का एक बहुत प्यारा सा डिजाइन लेकर आई हूँ। देखिए मैंने इसमें फ्रेंड्स देखिए 50 चैन बुनी है, और अगर आप इंच टेप से नापेंगे तो फ्रेंड्स देखिए ये आप इसने इस तरह से लेके आपने नापना है। तो देखिए इस तरह से आप ये रखेंगे, और ये देखिए इस तरह से आपने 22 सेंटीमीटर तक आपने इसको नापना है, क्योंकि पैर का साइज जो है नॉर्मली इतना ही होता है। तो 22 सेंटीमीटर नाप लीजिए, जितनी चेन आएंगी आप उतनी चैन डाल लीजिए। मैंने इसमें 50 चैन डाली है, और 50 चैन डालने के बाद आपने जो फर्स्ट रो स्टार्ट करनी, तो देखिए हर चैन में आपने फ्रेंड्स देखिए इस तरह से सिंगल से बुनते जाना है, इस तरह से। बहुत ईजी डिजाइन है फ्रेंड्स, बस आपने एक ही बार वीडियो देखेंगे तो इनशाला आप इस जूते को ईजिली बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से फर्स्ट रो हम इस तरह कंप्लीट करेंगे। तो देखिए इस तरह से मैं इस पूरे चैन को कंप्लीट कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट रो में हमें क्या करना है। ये फ्रेंड इस तरह से मैंने फर्स्ट रो देखिए कंप्लीट कर लिए, सिंगल क्रोशे से बुन लिए हैं, और अब देखिए लास्ट पर आ गए हैं, तो लास्ट पर भी हमने इसी तरह बुनना है। अब हमने क्या करना है, देखिए यहाँ से सेकंड रो स्टार्ट होगी, तो आपने क्या करना है ये देखिए 1 2 3 तीन चैन बुनेंगे, और ये देखिए एक बल लेंगे, देखिए इसे छोड़ देंगे एक को, यहाँ यहाँ एक चैन स्किप करके आपने इस तरह से बुनना है। फिर आपने देखिए एक बल लेना है, और ये जो आपने बुना था ना इसके बीच में से यहाँ से 1 2 3 यानी पफ स्टिच निकाला हमने बीच में से, और देखिए इस तरह से दो फंदे बचेंगे एक साथ बुनने के बाद, फिर इन दोनों को बुन लीजिए। फिर देखिए आपने देखिए एक स्किप करिए, सेकंड में आपने डबल क्रोशे से बुनना है इस तरह। फिर देखिए एक बल लेना है, और देखिए जो हमने बुना है ना इसके बीच में से क्रोशे ले जाना है, और पफ स्टिच लेना है तीन बार का, 1 2 3, और इन सबको एक साथ बुनेंगे, सिर्फ दो फंदे छोड़ देंगे इस तरह, और फिर इन दोनों को भी बुन लेंगे। फिर इस तरह से देखिए एक स्किप करके सेकंड में डबल क्रोशे से बुनेंगे, फिर आपने एक बल लेना है, और देखिए इसके बीच में से यहाँ से 1 2 3, और इन सबको एक साथ बुनेंगे, दो फंदे छोड़ेंगे बस, फिर इन दोनों को भी एक साथ बुन लेंगे इस तरह से। देखिए एक बल लेंगे, एक चैन स्किप करके सेकंड चैन में हमने बुनना है इस तरह, देखिए डबल क्रोशे से, फिर आपने एक बल लेना है, और देखिए इसके बीच में से 1 2 3, और इस तरह से। फिर आपने एक चैन स्किप करके एक बल लेके सेकंड चैन में इस तरह से डबल क्रोशे से बुनेंगे, फिर एक बल लेंगे, और इसके बीच में से 1 2 3, और इन फिर इन सबको एक साथ बुनेंगे, दो फंदे बचेंगे, फिर इन्हें भी दोबारा बुन लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से, तो फ्रेंड्स देखिए इस रो को मैं इस तरह से कंप्लीट कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। फ्रेंड इस तरह से मैंने इस रो को देखिए कंप्लीट कर लिया है, लास्ट पर आ गए हैं बिल्कुल, और लास्ट पर भी देखिए एक बार और देख लीजिए, इस तरह से तीन बार आपने इसके बीच में से फंदा निकालना है, और फिर इन तीनों को एक साथ बुन देंगे, लास्ट में दो बचेंगे इन दोनों में से भी निकाल देंगे। फिर आपने देखिए एक बल लेना है, और एक छोड़ के यहाँ आपने डबल क्रोशे से बुनना है इस तरह से। फिर अब आपने देखिए एक चैन बुननी है और इसे पलटना है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए अब हर चैन में आपने फिर से सिंगल क्रोशे से बुनना है इस तरह से। देखिए हर चैन में हमने इसी तरह ही बुनना है। तो ये हमारी अब डिजाइन की थर्ड रो है। देखिए जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई थी उसी तरह अब हम ये थर्ड रो सिंगल क्रोशे से बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से मैं इस रो को कंप्लीट कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से मैंने देखिए सिंगल क्रोशे से इस रो को कंप्लीट कर लिया है, और बिल्कुल लास्ट पर आ गए हैं, तो लास्ट पर भी देखिए मैंने सिंगल क्रोशे से ही बुना है। देखिए यहाँ से मैंने सिंगल क्रोशे से बुन लिया,
अब क्या करना है, देखिए फिर से हमने एक दो तीन तीन चैन बुनेंगे, और ये देखिए एक स्किप करके यहाँ यहाँ हमने फिर से डबल क्रोशिया से बुनना है। फिर देखिए एक बल लेंगे और इसके बीच में, ये देखिए इसके बीच में से हमने इस तरह से एक दो तीन तीन बार निकालेंगे और दो फंदे छोड़ेंगे, फिर इन दोनों को भी बुन लेंगे। फिर देखिए एक स्किप करिए, सेकंड में यहाँ डबल क्रोशिया से बुनिए, फिर एक बल लीजिए और देखिए इसके बीच में से फिर से हमने तीन बार निकालना है, एक दो तीन, और फिर इन सबको एक साथ बुनेंगे और फिर इन दो को एक बार और बुन देंगे इस तरह से। फिर देखिए एक छोड़िए यहाँ इस तरह से, फिर एक बल लेंगे और यहाँ तीन बार निकालना है बल दे दे के, फिर इन तीनों को एक साथ इस तरह से, फिर एक छोड़ के यहाँ। तो फ्रेंड्स देखिए जैसे मैंने ये रोट तैयार करी थी, इसे भी पूरा कंप्लीट कर फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से मैंने इस रो को भी देखिए कंप्लीट कर लिया, लास्ट पर आ गए और लास्ट पर भी मैंने यहाँ तक बुन लिया। अब आपने क्या करना है, फिर से देखिए एक चैन बुन के फिर से आपने फ्रेंड्स देखिए हर चैन में आपने सिंगल क्रोशिया से ही बुनते जाना है। सिर्फ फ्रेंड्स ये अभी हमने टू ही रोड रिपीट करी है और हमने इसमें अभी ज़्यादा कुछ बनाया नहीं है। देखिए कितना ईजी है इसे बनाना, जैसे जैसे ये बनता जाएगा वैसे वैसे आप को देखिए कितना प्यारा बनेगा ये। देखिए बस अब हमने क्या करना है, हर चेन में सिंगल क्रोशिया से इसे कंप्लीट करना है इस तरह से, ये देखिए। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ फिर बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने देखिए इस रो को भी कंप्लीट कर लिया है सिंगल क्रोशिया से, और देखिए यहाँ से मैंने इसको फिनिश कर लिया है। अब हमने क्या करना है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हमने फिर से अब हमने दूसरा कलर लगाना है। आप अपनी पसंद का कोई सा भी कलर ले सकती हैं, और एक और दो दो चैन बुनिए और इसे पलट लीजिए। पलटने के बाद फ्रेंड्स देखिए अब हर चैन में आपने डबल क्रोशिया से बुनना है, ये देखिए इस तरह हर चैन में आपने डबल क्रोशिया से बुनना है। इसको फ्रेंड्स बिगनर्स भी बहुत इजीली बना सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई हार्ड डिज़ाइन नहीं है, सिर्फ सिंपल सा ही डिज़ाइन है, लेकिन बहुत ही सिंपल और सोबर डिज़ाइन है, ये देखिए इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से मैं इस रो को कंप्लीट कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट रो में हमें क्या करना है। फ्रेंड इस तरह से देखिए मैंने डबल क्रोशिया से इस रो को कंप्लीट कर लिया है और बिल्कुल लास्ट पर आ गए थे। अब हमने क्या करना है फ्रेंड्स, फिर से हमने देखिए एक चैन बुन के इसे पलटना है, और पलटने के बाद फ्रेंड्स आपने क्या करना है, देखिए अब आपने हर चैन में यानी कि आपने हर चैन में फिर से सिंगल से बुनना है इस तरह। देखिए हर चैन में सिंगल से बुन लीजिए इस तरह से, देखिए। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से मैं सिंगल क्रोशिया से कंप्लीट कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने इस रो को भी कंप्लीट कर लिया है। अब हमने फिर से फ्रेंड्स देखिए एक चैन बुनकर इसे पलटना है, और पलटने के बाद फ्रेंड्स फिर से हमने हर चैन में सिंगल क्रोशिया से बुनना है इस तरह से, ये देखिए देखिए इस तरह से हमने इस रो को कंप्लीट करना है। फ्रेंड्स देखिए जो मैं बना रही हूँ ना, ये दो लाइनें ग्रे कलर से आपने इन्हीं को ऊपर तक रिपीट करना है। आपने कम से कम फ्रेंड्स देखिए 12 सेंटीमीटर तक आपने इसी लाइन को रिपीट करना है। तो मैं इस रो को रिपीट कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। ये सोल तैयार कर लिया है, देखिए ये डिजाइनिंग है और ये सोल है हमारा। अब देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं मैंने कितनी लाइनें बुनी हैं इसमें। तो देखिए पहले मैंने सिंगल क्रोशिया से बुना, फिर डबल से, तो मेरी दो लाइन में दो सिलाइयों में एक लाइन बन गई, एक इधर से और एक इधर से। तो इस तरह से देखिए एक दो
तीन चार पाँच छः सात, यानी सात लाइनें बनी हैं मेरी और इसके अंदर 14 लाइनें हैं, एक सिंगल से, एक डबल से, एक सिंगल से, एक डबल से, इस तरह से मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। अब हमने फ्रेंड्स क्या करना है, देखिए जो डिज़ाइन डाला था मैंने, यही डिज़ाइन हमने ऊपर डालना है। तो देखिए आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, आप देखिए यहाँ से मैंने धागा तोड़ दिया था, अब हमने देखिए यहाँ से लगाना है, क्योंकि पहले हमने सिंगल से बुनना है और हम उल्टी तरफ से बुनेंगे, अब तब हम सीधी तरफ डिज़ाइन डालेंगे। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे फिर से यहाँ से, और अब आपने हर चेन में इस तरह से सिंगल से बुनते जाना है, इस तरह, ये देखिए हर चेन में सिंगल से बुनेंगे। फ्रेंड्स ये बहुत इजी और बहुत प्यारा सा डिज़ाइन है, बिगनर्स इसे बहुत इजीली बना सकते हैं अपने लिए। तो देखिए इस तरह से मैं इस रो को कंप्लीट कर लेती हूँ फ्रेंड, इस तरह से मैंने सिंगल क्रोशे से देखिए कंप्लीट कर लिया है। अब हमने क्या करना है, एक दो तीन, तीन चैन बुन के इसे पलट देंगे और देखिए एक बार लेंगे और एक स्किप करके सेकेंड चैन में डबल क्रोशे से बुनेंगे पहले, फिर देखिए एक बार लेंगे और देखिए इसके बीच में, जैसे मैंने आपको नीचे बताया था बिल्कुल उसी तरीके से बीच में से हमने तीन बार जैसे पफ स्टिच बनाते हैं इसी तरह निकालना है, और फिर हमने देखिए एक फंदा छोड़ के बाकी फिर इन दोनों को भी एक साथ बुनना है, फिर बल लेना है और देखिए एक चेन स्किप करिए, छोड़ दीजिए दूसरे में इस तरह से, फिर देखिए यहाँ इसके बीच में से तीन बार, एक दो तीन, इस तरह से फिर इन दोनों को भी बुन लीजिए, फिर देखिए एक छोड़ के दूसरे में, फिर देखिए एक दो तीन, और इन सबको एक साथ, बस एक छोड़ के फिर इन दोनों को भी इस तरह से, एक को छोड़ के दूसरे में। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से डिज़ाइन बनेगा। तो फ्रेंड्स देखिए जैसे मैंने ये चार लाइनें बनाई थी, दो मेरी बन गई हैं, अब इस तरह इसके ऊपर दो और बनाकर फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने देखिए जैसे ये नीचे चार रो रिपीट करी थी, इसी तरह से मैंने ऊपर भी यही डिज़ाइन डाल दिया है और बीच का सोल भी तैयार हो गया, यानी कि अब हमारा काम कम्प्लीट हो गया। अब हमने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए अब हमने इसकी सिलाई करनी है। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से आपने इसकी सिलाई करनी है, सिलाई भी बहुत इजी है, आपने इस तरह से करना है, ये देखिए। देखिए इस तरह से लेते जाइए, फ्रेंड्स देखिए मैं यहाँ तक कर फिर आपको बताती हूँ। देखिए फ्रेंड इस तरह से जब आप सिलाई कर लेंगे ना, तो देखिए ये जो बीच में थोड़ा सा रह जाएगा, तो आपने फ्रेंड्स देखिए यहाँ बिल्कुल इस तरह से नोक नहीं निकालनी, यहाँ से हमने गोलाई से सीना है। तो देखिए पहले बड़े टांके ले लीजिए इस तरह से, और फिर आप इसको देखिए खींच लीजिए, तो ये देखिए गोल बन जाएगा, नोक नहीं बनेगी, और इसे यहाँ पक्का कर दीजिए इस तरह से, यहाँ से ये कंप्लीट हो गया। और देखिए यहाँ से सीधी तरफ से देखिए एकदम नीट एंड क्लीन आया है, कोई नोक नहीं निकली है, गोलाई से हमने इसकी सिलाई कर ली है। अब हमने देखिए क्या करना है, अब हमने यहाँ से सिलाई करनी है। अब आपने जो इधर की सिलाई करनी है ना, तो आपने देखिए क्या करना है, आपने यहाँ बड़े बड़े टांके लेने हैं इस तरह से, बस जो हमारा सोल है इतना ही आपने इसमें इस तरह से देखिए बड़े बड़े टांके ले लीजिए इस तरह से, और देखिए फिर आपने क्या करना है, इसको इस तरह से गोलाई से बांधना है इस तरह, इसे कस दीजिए इस तरह से, देखिए अब
फिर आपने क्या करना है, देखें यहाँ से सीधी तरफ से इस तरह से, यहाँ से आपने देखिए इस तरह से मिलाते जाना है और इसे इस तरह से सीते जाना है। ये देखिए ये भी गोलाई आ गई है देखिए, और यहाँ से और ये देखिए इस तरह से फ्रेंड्स देखिए हमने इतना सीना है, आधा सी लेंगे कि आधे में हम अपना आराम से इजीली पाँव डाल सकें। तो देखिए यहाँ से बस आपने देखिए इधर से और इधर से इस तरह से मिलाते जाना है। ये देखिए इस तरह से, तो फिर ये इस तरह से बन जाएगा। तो देखिए मैं इस तरह से इसकी सिलाई करके दिखाती हूँ। इस तरह से मैं इसके देखिए सिलाई कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट टाइम में क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने देखिए यहाँ से मिला करके इसे कंप्लीट कर लिया। अब हमने फ्रेंड्स देखिए क्या करना है, देखिए यहाँ से अब आपने सिर्फ थोड़ी सी इसकी आउटिंग करनी है जिससे ये थोड़ा सा बहुत ही प्यारा लगेगा। यहाँ पर इसकी आउटिंग आ जाएगी, देखिए यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए, या तो आप छोटे छोटे कंगूरे डाल दीजिए या आप पूरी गोलाई में सिर्फ सिंगल क्रोशिया से बुन लीजिए, हर चेन में बुन लीजिए इस तरह। ये देखिए यहाँ से तो ये मजबूत हो जाएगा, यहाँ से फटेगा भी नहीं। देखिए इस तरह हर चेन में हमने सिंगल क्रोशिया से ही बुनना है। ये देखिए यहाँ से इस तरह से, देखिए तो इस तरह से मैं गोलाई से कंप्लीट करके इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने देखिए इसकी सिलाई करके आउटिंग करके इसे कंप्लीट कर लिया, और पहनने के बाद देखिए इसे कितना प्यारा सा लुक आया है देखिए। और फ्रेंड्स देखिए इधर से देखिए ये हमारा सोल है और ये हमारे डिजाइनिंग की पट्टियां हैं, और ये पहनने पर बहुत ही प्यारा सा है फ्रेंड्स। ये 6 और 7 नंबर के जूते हैं, और अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहती हैं तो फ्रेंड्स आप नाप लेकर इसे थोड़ा बड़ा भी बना सकती हैं। और अगर फ्रेंड्स आपको ये हमारा क्रोशिया वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।